नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल VGR ब्लॉग्स में। दोस्तों, आज मैं फिर से एक नए सफ़र पर निकल चुका हूं और ये दोस्तों जो आप सड़क देख रहे हैं ये है वाराणसी एयरपोर्ट रोड। और ये मैं दिखाना चाहता हूं दोस्तों कि आप पहले से और अब में देखिए कितना फ़र्क आ चुका है। ये जैसे ऐसा लग रहा है, मानिए कि हम किसी गुजरात या महाराष्ट्र या फिर किसी बहुत बड़े शहर की सड़क पर हम लोग चल रहे हैं। पहले दोस्तों यहाँ पर जो सड़क हुआ करती थी वो मात्र 50 से 60 मीटर की थी, जो कि उबड़ खाबड़ और गड्ढे युक्त थी। और आज देखिए कितना जो नज़ारा है वो बिल्कुल बदल चुका है। आज की डेट में अगर किसी को वाराणसी एयरपोर्ट से और वाराणसी शहर में एंटर करना हो तो पहले जो समय 1 घंटे से 1.25 घंटे से ज़्यादा लगता था, वो दोस्तों अब मात्र 15 से 20 मिनट का रह गया है। और आप इस सड़क की क्वालिटी भी तो देखिए, ऐसा नहीं है कि मतलब चीज़ें बनी है तो एकदम बस उसका कोरम पूरा गया है, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप देखिए हर तरह से चौतरफा पूरा सोच के एक बिल्कुल अत्याधुनिक तरीकों से जो चीज़ें बन रही हैं, जो चीज़ें मतलब जिनका निर्माण हो रहा है, वो ऐसे निर्माण हो रहा है जैसे कि कम से कम वो उसकी शेल्फ लाइफ जो है 100 साल या 50 साल कम से कम रहे। ये नहीं कि आज बनाए और 2 साल बाद पानी बरसा और सड़क बह गई, तो ऐसा निर्माण दोस्तों अब नहीं हो रहा है। अब जो भी निर्माण हो रहा है वो बिल्कुल सोच समझकर और बिना भ्रष्टाचार के हो रहा है दोस्तों। क्योंकि आप सोचिए अगर यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ होता तो इस क्वालिटी की सड़क मिलना लगभग दोस्तों नामुमकिन था हमारे लिए। तो आप शहर के नज़ारे देखिए दोस्तों, ऐसा आपको जान पड़ेगा जैसे कि भविष्य में ये शहर राजधानी बन सकता है। इस मतलब माइंडसेट को लेकर यहाँ पर चीज़ों का निर्माण हो रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भविष्य में चलकर अगर मान लीजिए कि ये राज्य बनता है, अगर कोई पूर्वांचल राज्य बनता है, तो वहाँ की जो राजधानी होगी दोस्तों वो मुझे लगता है कि वाराणसी को ही बनाया जाएगा। क्योंकि इसका जो चौतरफा निर्माण और जो विकास कार्य यहाँ पर हो रहा है, ऐसी कोई भी शहर मुझे आसपास नहीं दिखाई पड़ रहा है जो कि इस प्रकार का हो, जहाँ पर इस तरह की निर्माण कार्य हो रहे हो। तो मेरा ये मानना है दोस्तों कि हो सकता है भविष्य में जब अगर कोई मसौदा आता है जिसमें कि ये कहा जाता है कि पूर्वांचल कोई राज्य बनेगा, तो उसमें अगर राजधानी चुनी जानी होगी दोस्तों, तो मुझे लगता है कि यही वो शहर होगा जिसे राजधानी के रूप में स्वीकार किया जाएगा। ये जो आपने देखा दोस्तों, ये भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कंपनी है। और आप देखिए दोस्तों सड़क के दोनों ओर कितना मतलब बीच में कितना बढ़िया हरियाली का जो एक पेड़ पौधे वगैरह लगाकर इसे सेट किया गया है, आप स्वयं देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। पहले हमारी जो दोस्तों सड़कें बनती थी उसमें तारकोल लाते थे, तारकोल डालकर और एक दिन में रोलर चलाकर बन गई सड़क। और वो दोस्तों क्या होता था कि फटाक से जैसे ही बारिश हुई और वो सड़क बह जाती थी, क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार होता था। अब वो चीज़ें नहीं होती हैं। अब दोस्तों देखिए इस तरह की सड़कें बनती हैं, ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे दुबई में आ गए हैं। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि बिल्कुल उससे तुलना करना ठीक नहीं है, लेकिन दोस्तों जो आदमी पहले 50 फीट की सड़क देखा उसको अचानक से आप 120 फीट 130 फीट की सड़क दे देंगे तो उसको तो यही लगेगा ना कि वो विदेश में आ गया है। तो हम संतुष्ट हैं इस चीज़ से, आप स्वयं देखिए। तो चीज़ें बदलने में दोस्तों समय लगता है, हमारा माइंडसेट बदलने में भी समय लगेगा, और जो यहाँ का उत्तर प्रदेश को लेकर लोगों का जो माइंडसेट है उसको भी बदलने में समय लगेगा। तो हमें धीरे धीरे जो बदलाव है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग दोस्तों अभी भी इस बदलाव को स्वीकार नहीं करते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो आपसे निवेदन रहेगा कि हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, जिससे कि दोस्तों लगातार हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम लोग आपके लिए वीडियोज़ लाते रहें। धन्यवाद। हर हर महादेव।